बस दोस्तों, तो आज मैं फिर से ओल्ड कलर का यूज़ करूँगा। तो मैं पहले स्किन को कलर कराऊँ, तो जो स्किन कलर है वो थोड़ा सा ड्राई एंड थोड़ा सा गंदा हो चुका है, तो उसे क्लीन कर लेते हैं वाटर एंड क्लोथ की हेल्प से। देन उसी की हेल्प से मैं कलर करना शुरू करूँगा स्किन को। एंड इस कलर में जो है एक बात अच्छी है, जो स्किन कलर है वो पहले से बना हुआ है, मुझे अलग से बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अभी करते कलरिंग करना शुरू। पहले तो स्किन को कलर करेंगे, देन क्लोथ में जो रेड वाला पार्ट है उसको बेस कलर करूंगा मैं। तो आप भी कलरिंग की शुरुआत करोगे तो हमेशा जो है लाइट कलर से शुरुआत करना, देन धीरे धीरे उसे डार्क करते जाना है। बेसिकली पहले लाइट कलर का यूज करना, देन डार्क। अब मैं बैकग्राउंड को पूरी तरह से ब्लू कलर कर दूंगा। अब मेन काम शुरू होता है, मीन्स अभी मैं ग्यू को कंप्लीट करना शुरू करूंगा। एंड शुरुआत करूंगा मैं उसके हेयर से, फिर क्लोथ में जो डार्क पार्ट है उसको कलर करेंगे। अब आईज में बेस कलर करूंगा मैं, देन स्किन में शेडोज दिखाएंगे एकदम अच्छे से। अब मैं बैकग्राउंड के जो ऊपर वाला साइड है वहाँ पर हल्की सी डेप्थ को दिखाऊंगा, मीन्स वहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर करेंगे। फिर उसके बाद मैं रेड क्लोथ में जो है एकदम अच्छे से डेप्थ दिखाऊंगा। फाइनली अब बारी आती है फेस की, तो मैं सिंपली बॉर्डर करूंगा एंड शेडोज को दिखाऊंगा एकदम अच्छे से। और जब भी आप फेस या क्लोथ के ऊपर शेडोज वगैरह दिखाओगे तो हमेशा ये ध्यान में रखना कि जो बेस कलर है वो एकदम अच्छे से ड्राई हो चुका होगा, नहीं तो कलर जो है हल्का सा स्प्रेड हो जाता है अगर वो कलर जो है गीला होगा तो। फेस होते ही मैं हेयर्स को जो है बॉर्डर करूंगा। देन अभी उसके हाथ को भी बॉर्डर करेंगे एकदम अच्छे से। फिर ये सब होते ही मैं क्लोथ के ऊपर एकदम अच्छे से शेडोज को दिखाऊंगा। वैसे तो कलर ओल्ड हो या न्यू, कलर करने की मेथड सेम ही है, पहले तो बेस कलर करो, देन शेडोज को दिखाओ, देन बॉर्डर एंड डिटेलिंग करो। अब मैं हेयर्स में जो है एकदम अच्छे से शेडोज को दिखा रहा हूँ। एंड हेयर्स हो जाने के बाद मैं स्वॉर्ड को कंप्लीट करूंगा। अब बारी आती है थोड़े से हार्ड काम की। ग्यू का ये वाला क्लोथ का पार्ट है, उसमें बहुत ही ज्यादा स्लोली काम करना होगा हमें, बहुत ही ज्यादा पेशेंस के साथ धीरे धीरे कलरिंग करनी होगी एक एक पार्ट में। सो देखो मैं कैसे एक एक करके कलरिंग कर रहा हूँ, एंड ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप भी बोर ही हो जाओगे। लेकिन मैं जब तक क्लोथ में कलरिंग कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया होगा तो। अब क्लोथ का कलर हो चुका है डन, तो अभी मैं वाटर को एकदम सही से कलर कर लेता हूँ, मीन्स एकदम डिटेल के साथ उसे एकदम अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। स्टार्टिंग में मैं सिंपली जो है ब्लू कलर का यूज करूंगा, देन व्हाइट पार्ट में जो है एकदम अच्छे से शेडोज को दिखाएंगे सिंपली। फिर ये सब हो जाने के बाद मैं डार्क ब्लू कलर का यूज करते हुए बॉर्डर कर दूंगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाऊं, तो सच बोलूं तो मैं सिखाने के मामले में बहुत ही ज्यादा वीक हूं।
सो फाइनली ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को भी ये ड्राइंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मैं नेक्स्ट किसे ड्रॉ करूँ ये भी कमेंट करके बताओ। सो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।